स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरियान पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी का सैम्पल पेपर 7। देखिए, ये सैम्पल पेपर बेटा सारा इस बुक से है। ये बुक जो है अरिहंत पब्लिकेशन की है और इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं। पूरे के पूरे 10 सैम्पल पेपर हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इस बुक की एक और खास बात ये है कि इसमें क्विक रिवीजन के लिए आपको नोट्स भी दिया हुआ है, वन डे रिवीजन जिसे आप कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो उसे आप पढ़ सकते हैं। और बेटा, इसमें बहुत जो सैम्पल पेपर दिया हुआ है 10, उसमें हर पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। एटलीस्ट ये तो होगा कि आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, दिमाग खुलेगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है ना। कभी कभी क्या है कि एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के कई तरीके से पूछा जा सकता है, वैसा इस पेपर में ये जो बुक है इन सब में मेंशन है। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं सैंपल पेपर नंबर 7 की, और चलिए देखते हैं इसमें है क्या। तो ये बुक है बेटा, यही वो बुक है जिससे आपके सारे के सारे सैंपल क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसमें पूरे 10 सैंपल पेपर्स दिए हुए हैं। तो बेटा, सबसे पहले अगर बात करें तो किसी भी पेपर में क्या होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। ये आपका बोर्ड का पेपर हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पेपर हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उस इंस्ट्रक्शन को पढ़े बिना पेपर कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि इसमें क्या है। जो आपको पेपर मिलेगा एग्जाम टाइम में उसको भी पढ़ लीजिएगा बेटा, उसके इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा, वरना हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे बचने के लिए और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, नाउ सी, सबसे पहले क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में, 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओवरऑल 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 60 में से करना कितना है, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग सेक्शन से। ये नहीं कि स्टार्टिंग से उठाया, शुरू के 50 क्वेश्चन कर दिए और लास्ट के 10 छोड़ दिए। नहीं बेटा, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि हर सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस कंपलसरी हैं करना, तो उसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा। नाउ सी, सेक्शन ए जो है इसमें है 24 क्वेश्चंस, और आपको अटेम्प्ट कितने करना है, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। ओके, 24 में से सिर्फ 20 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी भी जो है बेटा, इसमें भी 24 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ सेक्शन सी की बात करें तो इसमें है 12 क्वेश्चन और इसमें करने हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन। सेक्शन ए में आपको नॉर्मल जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं वैसे ही मिलेंगे। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग के हैं, और सेक्शन सी में कुछ केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी सब वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें तो हर क्वेश्चन जो है वो आपका 0.70 मार्क्स का है। ओवरऑल मार्क्स जो हैं दैट इज 35। कितने मार्क्स है बेटा, 35 मार्क्स है। टाइम जो अलॉटेड है आपको दैट इज 90 मिनट, डेढ़ घंटे का टाइम है, 1.5 आवर, इसी में आपको पूरा पेपर करना है। पर क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको 20 मिनट पहले दिया जाएगा। ओके, इसके बाद इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा तो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ आपका बोर्ड का एग्जाम है तो यहाँ पे नहीं होने वाले। तो ये तो रहा कोई जनरल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू पेपर। नाउ सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी, सेक्शन ए जो है बेटा इसमें आपको पता है कितने क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 24। आपको करने कितने हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करने हैं, ओनली एंड ओनली 20। 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो जो आपको टफ लगे, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, वो आप छोड़ दीजिए। कर भी दोगे तो उसके नंबर नहीं मिलने वाले, सो ऐसा कर मतलब बच ही जाइएगा ऐसे। जो पहले अटेम्प्ट किए हुए 20 क्वेश्चन होंगे उसी का इवैल्यूएशन होगा, बाकी का नहीं होगा। बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो छोड़ दिया जाएगा, अगर आप कर भी देते हो तो। चलिए, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की, जो सैंपल पेपर नंबर 7 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ मियोटिक डिवीजन इज, मियोटिक डिवीजन का प्रोडक्ट क्या होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, बोथ बी एंड सी।
देखो क्या होता है, जब मियोसिस होता है तो जो स्पर्मेटिड होते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं ये हैप्लॉइड हो जाते हैं, उसके बाद ही इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। तो कौन सा सही है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड? अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखिए बोथ बी एंड सी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ओके ये तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और देखते हैं इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और आपको क्या आंसर करना है। सी, रेफर टू द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें डायग्राम देखना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है कि क्या होने वाला है। ये किसका डायग्राम है बेटा, ये ओव्यूल का डायग्राम लग रहा है कुछ। नाउ कह रहे हैं दे सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वन रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ओव्यूल, सेकेंड रिप्रेजेंट मैच्योर एम्ब्रियोसेक और बोथ बी एंड सी। यहाँ पे आपको ये बताना है। तो पहला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायड ऑफ मेगास्पोर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहला जो है दैट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का पार्ट है ना, ओव्यूल का पार्ट है। तो फर्स्ट रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ ओव्यूल, क्लियर। तो ऐसे घुमा के ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किसका पार्ट है, या फिर ये किस में इन्वॉल्व होता है, या इसकी फंक्शनिंग क्या है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड आप देख रहे होंगे जब से आप सैंपल पेपर्स कर रहे हैं। तो इससे कम से कम बेटा आपको अंदाजा लग गया होगा कि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते। नाउ चैलेजल पोल इज प्रेजेंट, चैलेजल पोल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है बेटा, बेस पार्ट होता है। नाउ सी, ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल एट द ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट, ऑपोजिट टू न्यूसिलस और नियर द एम्ब्रियोसेक, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। जो चैलेजल पोल होता है दैट प्रेजेंट एट ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, ये उसका बेसल पार्ट होता है, तो ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल। ठीक है, ईजी था ये क्वेश्चन। चलिए ये वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो। प्रॉब्लम वहां आती है जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता और फंसते भी आप लोग वही हो। नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा का सिक्रेटरी प्रोडक्ट नहीं है। पहले क्या कह रहे हैं, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे सबसे पहला हार्मोन देखो ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है, ऑक्सीटोसिन कब रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है दैट इज रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अब इसमें क्या होता है, जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शो होता है, जब पार्चुरेशन का टाइम होता है तो यूट्रस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, उसकी वजह से ये ऑक्सीटोसिन मतलब वहां पे रिलीज होता है और उससे कुछ रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहे हैं आइडेंटिफाई ए टू एफ इन द गिवन डायग्राम, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तक बेटा कम से कम आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा पेपर सॉल्व करते करते, जितने पेपर्स हम लोगों ने प्रीवियसली सॉल्व किए हैं, कि जो डायग्राम से क्वेश्चन आने वाले हैं ये इजी आएगा आपको, श्योर है ना। दूसरी बात ये है कि डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे बच नहीं सकते हो आप। तो जितने डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कम से कम उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेबलिंग देख लीजिएगा, फंक्शन देख लीजिएगा, ये सब पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए हमें ए टू एफ फाइंड आउट करना है कि क्या है, मतलब इसका नाम बताना है कि क्या क्या है। बहुत ईजी चीज है, क्या होगा बेटा देखो ए पे क्या है, ये क्या है देखो, ये क्या है पॉलन ग्रेन से, यहाँ पे स्टिग्मा है बट ये रिप्रेजेंट, यहाँ जो ए वाला पॉइंट है वो दिखा रहा है पॉलन ग्रेन्स को, तो ये क्या होगा पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, मेल गैमेट्स होते हैं। नाउ बी की अगर बात करें, बी क्या है, ये देखो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो दैट इज ये क्या है, एक मिनट, ए जो है आपका ये पॉलन ग्रेन है, बी क्या है बेटा पॉलन ट्यूब है जिससे पॉलन ग्रेन अंदर आते हैं, तो ये हो गए आपके पॉलन ट्यूब। अब अगर हम लोग बात करें सी की, तो ये देखो ये है सी, सी क्या है बेटा, सी है आप यहाँ पे ओवरी, ओवरी। नाउ डी क्या होगा, डी आपका ये देखो यहाँ पे बीच में ई लिखा है, यहाँ पे डी है, तो ये है ओव्यूल। ई क्या है, ई इज एंटीपोडल सेल, और एफ क्या है, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई।
क्लियर। तो ये हो गया आपका पूरा इसका नॉमन क्लेचर। अब अगर हम लोग बात करें, ए पॉलन ग्रेन है, बी पॉलन ट्यूब है, सी ओवरी है, ई एंटीपोडल सेल है, डी ओव्यूल है और एफ पॉलन ग्रेन है, पॉलन न्यूक्लियाई है, ग्रेन नहीं, पॉलन ग्रेन तो ऊपर है। चलो अब जरा मैच कराते हैं कहाँ पे क्या है। तो ये देखो, ए पे लिखा हुआ है पॉलन ट्यूब, यहाँ पे ए पे लिखा हुआ है पॉलन न्यूक्लियाई, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलन ग्रेन, ठीक है, हमें मिल गया है यहाँ पे पॉलन ग्रेन। अब बी पे देखें, पॉलन ट्यूब, क्या यहाँ मैच कर रहा है, ये बी पॉलन ट्यूब है। सी क्या है, ओवरी, डी क्या है, ओव्यूल, ई क्या है, एंटीपोडल सेल और एफ क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। सिंपली आपका यही आंसर होगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो बेटा ये जितने क्वेश्चन है ना सब आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप अपनी बुक चेक कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस आप देखते जाओ, टिक करते जाओ, कौन सा सही है कौन सा नहीं, या आपसे कौन से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, कौन सा आपको टफ लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट जा रहा है, ये भी ध्यान देते रहो। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये चार पांच स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसे पढ़ना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्या बताना है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। कह रहे हैं द यूट्रस इज प्रेजेंट इन सिंगल पेयर एंड इज कॉल्ड वूम। यूट्रस क्या सिंगल पेयर में होता है? यूट्रस सिंगल पेयर में नहीं होता है, यूट्रस सिंगल होता है ना। इसके बाद कह रहे हैं द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर, ये तो सही दिया हुआ है। द यूट्रस ओपन इन टू वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ये भी सही दिया हुआ है। बर्थ कैनाल इज फॉर्म बाय सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना, ये भी सही दिया हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं लास्ट पॉइंट जो है, पेरिमेट्रियम ऑफ यूट्रस वॉल, पेरिमेट्रियम ऑफ यूट्रस वॉल इज एक्सटर्नल एंड थिक, तो क्या पेरिमेट्रियम यूट्रस वॉल का जो होता है ये एक्सटर्नल तो होता है पर क्या थिक होता है? ये थिक तो नहीं होता, थिन होता है ना। नाउ मायोमेट्रियम इज मिडल थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड एंडोमेट्रियम इज इनर ग्लैंडुलर लेयर, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका बेटा गलत हो गया है। सही कौन सा बचा आपका? सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए ढूंढते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये नहीं है, फर्स्ट तो है नहीं, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये देखिए ये आपको मिल गया ऑप्शन, ठीक है। ओके, पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा बेटा, हो सकता है जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है थिक, तो ये तो यहाँ पे थिन है, ये क्या है मायोमेट्रियम इज मिडल थिन लेयर, तो ये क्या होता है मायोमेट्रियम थिक लेयर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो ये भी ग्राफ है, डायग्राम है, किसका डायग्राम है बच्चों? मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि इस डायग्राम से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चलिए देखते हैं भाई क्या पूछा हुआ है। रीड द ग्राफ एंड कोरिलेट द यूटेराइन इवेंट दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल लेवल ऑन ए। ए पे दिया हुआ है 6 to 15 days, बी पे दिया हुआ है 16 to 25 days और सी पे दिया हुआ है 3 to 5 days इफ द ओबम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, मतलब जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है इस केस में। नाउ ए पे है आपका 6 to 15 days, मतलब कुछ यहाँ से यहाँ तक होगा। बी पे आपका दिया है 16 to 25 days, तो ये यहाँ तक होगा और सी उसके बाद वाला टाइम है, मतलब इधर आगे का। आप कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, ये बताना है आपको। नाउ अगर बात करें तो ये देखिए, 6 to 15 पे क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। इस फेज में क्या होता है, जो इंडोमेट्रियम होता है उसका रीजनरेशन होने लगता है, वो फिर से रीजनरेट होने लगता है। तो भाई ये तो मिल गया, ये फॉलिकुलर फेज है और रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 16 to 25 days, तो 16 to 25 days में क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। बट क्यों बढ़ता है? इंडोमेट्रियम यहाँ पे जो होता है ना वो थिक हो जाता है। ये क्या हुआ, पहले तो रीजनरेट हुआ, उसके बाद उसकी थिकनिंग होने लगती है, वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, मोटा होने लगता है, ठीक है। क्यों होता है? ताकि अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो तो वो उसको इम्प्लांट करने के लिए रेडी हो, कैरी कर सके, इसलिए होता है। ओके, इसके बाद का पीरियड क्या होता है, मेंसेस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे मेंसेस्ट्रुअल फेज हो जाता है और यहाँ पे जो इंडोमेट्रियम होता है वो डीजेनरेट हो जाता है। अगर गैमेट नहीं मिला, मेल गैमेट नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगा,
डीजनरेट हो जाएगा, उसका तो कोई काम नहीं बचेगा, तो वो डीजनरेट हो जाता है और उसी फेज को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, डिक्रीज करने लगता है। फाइन, तो चलिए देखते हैं क्या मिला हमें। फॉलिकुलर फेज मिला, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ये तो होगा नहीं, डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, और यहाँ पे भी लिखा है रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम, यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपली पता चल गया आपको आंसर सी होने वाला है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। फिर दिया हुआ है एंडोमेट्रियम बिकम थिक एंड वेस्कुलराइज्ड, रेडी टू रिसीव एंड इम्प्लांट एम्ब्रियो। यही बताया हमने। सी पे क्या होता है, डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ये सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बेटा आपसे आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो चार्ट है, ग्राफ है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना बेटा, जो बुक में दिया हुआ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट पेयर। क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट पेयर बताना है, मतलब कौन सा पेयर इसमें से गलत है वो बताना है आपको। नाउ पहले क्या दिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, फिमरी, ये तो सही है। नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट एम्प्यूला होता है क्या, एम्प्यूला जो होता है ये नैरो नहीं वाइडर पार्ट होता है, तो ये गलत है, वाइडर पार्ट होगा, डब्ल्यू आई डी ई आर, वाइडर पार्ट। ठीक है, समझ जाओ ये नैरो नहीं है, वाइडर पार्ट होता है। उसके बाद क्या, पार्ट ऑफ ओविडक्ट जॉइनिंग द यूट्रस दैट इज इस्थमस, नन ऑफ द अबव। तो क्या ये तीनों में से कोई गलत नहीं है, ये तो गलत है ना, बी आपका, तो बी आपका सही आंसर होगा। ओके, क्या बताना था बेटा, इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लेवल ऑफ LHS मैक्सिमम, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कब मैक्सिमम होता है ये पूछा जा रहा है आपसे, कब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मैक्सिमम। यहाँ पे देखो लिखा है जस्ट बिफोर ओवल्यूशन, जस्ट आफ्टर ओवल्यूशन, एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये मैक्सिमम होता है एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन, ओवल्यूशन के टाइम पे ये मैक्सिमम होता है, और इसके बाद जो ओवा होते हैं वो रिलीज होना स्टार्ट कर देते हैं, इसे हम लोग ल्यूटिनाइजिंग सर्ल्स भी कहते हैं, अल्स, सर्ल्स नहीं अल्स, तो एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, तो ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, सिंपल सी चीज है, कौन सा आंसर होगा भाई, अब पहले क्वेश्चन तो देखें फिर तो आंसर देखेंगे, है ना। लेट्स सी, व्हाट इज द फिगर गिवन बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर, ये पूछ रहे हैं जो फिगर गिवन बिलो है इसमें क्या शो कर रहा है। अब इससे इजी क्वेश्चन बेटा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। सी क्या कह रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें क्या किया गया है, देखो फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया गया है, इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो गैमेट्स एक दूसरे के साथ मर्ज होके फर्टिलाइज्ड हो रहे थे वो प्रोसेस यहाँ नहीं होगा। गैमेट्स प्रोड्यूस तो होंगे, लाइक फीमेल बॉडी है तो यहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस तो होंगे, बट दे आर नॉट फ्यूज्ड विद मेल गैमेट। ओके, तो ये क्या होता है, दैट इज ट्यूबेक्टॉमी। इसके रिवर्सिबिलिटी के जो चांसेस होते हैं ना, ये सबसे मुश्किल वाला होता है, मतलब नहीं हो सकता रिवर्सिबल, अगर जाना चाहे कि इसको फिर से नॉट को ओपन करके टाई अप कर दिया जाए फिर से, तो वो मुश्किल हो जाता है, मतलब नहीं होता, तो ये आपका ट्यूबेक्टॉमी होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है आपका, लेट्स सी। To ensure the result of available contraceptive measure, a paid survey was conducted by a firm. एक paid survey conduct हुआ ताकि जो contraceptive measure है उसकी availability को हम लोग check कर सके। Group A was advised to use the preparation of progestin to check ovulation, whereas group B was advised to avoid intimacy for a certain period. Okay? Now identify the measure adopted by group A and group B. अब हमें बताना है कि इन लोगों ने कौन से मेथड अडॉप्ट किए थे जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में था। यहाँ पे कह रहे हैं सहेली ग्रुप बी का है, कोइटस इंटरप्ट्स, कॉपर टी, लैक्टेशनल एमनियोरिया, नॉरप्लांट, रिदम मेथड, ओरल कंट्रासेप्टिव, कोइटस इंटरप्ट, ये क्या होगा, नॉरप्लांट एंड रिदम मेथड। ठीक है,
तो ये इसका सही है। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कुछ ऐसा केस दे दिया जाए, या हो सकता है रीसेंट में कुछ अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ चल रहा हो तो मे बी इट माइट बी पॉसिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। इन मेंडल स्टडीज इनफ्लेटेड पॉड ऑफ पी इज एन, कह रहे हैं मेंडल ने जो स्टडी की थी इसमें जो इनफ्लेटेड पॉड था, इनफ्लेटेड पॉड पी का था, ये क्या था ये आपको बताना है। तो बेटा इनफ्लेटेड पी जो था दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर क्या था, कंस्ट्रक्टेड पॉड था, शेप जो था इसका दैट इज रिसेसिव था वो। ओके चलो ये तो हो गया, इसका मतलब ये आंसर आपका सही है, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर ध्यान रखिएगा, मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर लिए थे, कितने ट्रेट लिए थे और उनके क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स थे, उसे क्वेश्चन आएगा बेटा, दैट इज श्योर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं मेंडेलियन फैक्टर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा यहाँ स्टेटमेंट पढ़ना है आपको और इसमें आपको चार स्टेटमेंट दिए हैं, उसके बाद बताना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है। ठीक है नाउ सी, मेंडेलियन फैक्टर आर नाउ कॉल्ड जीन्स, कह रहे हैं मेंडेलियन फैक्टर जो है उसे हम लोग जीन्स कहते हैं। कैरेक्टर ब्लेंड इन होमोजाइगस कंडीशन, ऑल कैरेक्टर इन ह्यूमन शो डोमिनेंस, ह्यूगो डी ब्रिस वाज इन्वॉल्वड इन रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, हमें ये बताना है कौन सा सही होगा। बेटा देखो यहाँ पे दिया हुआ है मेंडेलियन फैक्टर आर नाउ कॉल्ड जीन्स, तो ये तो सही दिया हुआ है दैट इज ट्रू। कैरेक्टर ब्लेंड इन होमोजाइगस कंडीशन, तो क्या कैरेक्टर सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ब्लेंड करते हैं, हेट्रो में भी तो करते हैं, हेट्रो में भी करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं ऑल कैरेक्टर इन ह्यूमन शो डोमिनेंस, डोमिनेंस नहीं, हर कैरेक्टर डोमिनेंसीज नहीं शो करते, कुछ रेसेसिव भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने किसी के हेयर स्ट्रेट देखे होंगे तो वो क्या होते हैं, रेसेसिव कैरेक्टर होते हैं। फेयर कलर देखा होगा, लोग फेयर कलर के होते हैं ना, तो वो भी रेसेसिव कैरेक्टर होता है, तो डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों होते हैं। इस हिसाब से हमें ह्यूगो डी ब्रिस वॉज इन्वॉल्व इन रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क, ये भी सही दिया हुआ है, इसका मतलब वन और फोर्थ सही दिया हुआ है, तो कौन सा ट्रू है हमें यही तो बताना है, तो वन एंड फोर्थ। क्लियर, चलिए समझ में आ गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to monohybrid and dihybrid cross, monohybrid और dihybrid cross से related ये question है, इसमें पूछा गया कौन सा statement correct है हमें ये बताना है। See कह रहे हैं monohybrid cross is performed for one generation whereas dihybrid cross is performed for two generation, तो क्या इसमें जो monohybrid cross होते हैं वो सिर्फ one generation के लिए होता है और dihybrid दो generation के लिए होता है, दोनों दो generation के लिए होते हैं ना, तो ये नहीं होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट वेयर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व अ टू पेरेंट, ये तो मतलब लॉजिकल ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, दोनों केसेस में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, मेल और फीमेल, तो ये भी गलत हो गया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोजेनी वेयर अस डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस अ टू प्रोजेनी, ऐसा भी नहीं है मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिर्फ एक सिंगल प्रोजेनी नहीं क्रिएट करते और डाइहाइब्रिड क्रॉस सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस टू प्रोजेनी नहीं क्रिएट करते, दोनों मतलब सेम प्रोजेनीज क्रिएट करते हैं। फिर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व इंडिविजुअल विद वन हेटरोजाइगस कैरेक्टर वेयर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्व इंडिविजुअल विद टू हेटरोजाइगस कैरेक्टर, तो ये सही है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते हैं उनमें वन हेटरोजाइगस कैरेक्टर होता है और जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होते हैं इनमें दोनों हेटरोजाइगस कैरेक्टर होते हैं। क्लियर, तो ये ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट पूछा गया ना, हाँ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट। ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और वहां देखते हैं क्या है। ओके ये क्वेश्चन में आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा, अब जरा देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। पहले कह रहे हैं इफ टू पी प्लांट हैविंग रेड डोमिनेंट कलर्ड फ्लावर विथ unknown genotypes are crossed, 75% of the flower are red and 25% are white, the genotypic constitution of the parent having red colored flower will be, simple चीज है यहाँ पे आपको cross करवाना पड़ेगा बेटा। कैसे करवाओगे, see सबसे पहले आप
कंडीशन लिख लीजिए क्या है। पी प्लांट है जिसका रेड डोमिनेंट कलर है विद अननोन जीनोटाइप क्रॉस्ड, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये और ये, ओके गैमेट्स बना लो बेटा, इनका ये बनेगा, इनका ये बनेगा। अब अगर क्रॉस करवाया जाए तो ये, ठीक है, फिर ये बनेंगे, फिर ये और फिर ये। यहाँ पे देखो ये क्या होंगे, तीन और ये एक, मतलब दैट इज 75% और दैट इज 25%। ये क्या हो जाएंगे, रेड, और ये क्या हो जाएंगे, व्हाइट। आ गया, कौन सा आंसर होगा। इफ टू प्लांट हैविंग रेड डोमिनेंट कलर फ्लावर विद अननोन जीनोटाइप आर क्रॉस, 75% ऑफ द फ्लावर आर रेड एंड 25% आर द व्हाइट। तो ये रेड हो गया 75%, 25% व्हाइट। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ कह रहे हैं कि द जीनोटाइपिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द पेरेंट हैविंग रेड कलर फ्लावर विल बी, तो ये क्या है, देखो दोनों हेट्रोजाइगस है, दे बोथ आर हेट्रोजाइगस, तो सो बोथ आर हेट्रोजाइगस, अलग अलग है ना, हेट्रो पता है ना, अलग अलग होते हैं, और होमो मतलब सेम सेम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, अभी कह रहे थे मेंडल साहब के ट्रेट के बारे में पढ़ लेना, उनके क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन आ गया, नाम लेते ही क्वेश्चन आ गया भाई। Now see, among the seven pair of contrasting trait in pea plant as studied by Mendel, the number of trait related to flower, pod and seed respectively are. कितने ट्रेट लिए थे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कितने ट्रेट लिए थे बेटा, सेवन ट्रेट्स लिए थे। सेवन ट्रेट्स की अगर बात करें तो क्या क्या थे उसमें से, देखो फ्लावर के दो ट्रेट थे, दैट इज कलर और पोजीशन। तो यहाँ पे पहले फ्लावर का पूछा गया है, तो फ्लावर के कितने ट्रेट है, दो। फ्लावर की अगर बात करें हम लोग तो दो ट्रेट थे, कलर एंड पोजिशन। उसके बाद क्या है, पॉड, तो पॉड के भी कितने थे बेटा, दो, दैट इज शेप एंड कलर। तो उसका भी क्या हो गया, शेप एंड कलर। तीसरी बात कर रहे हैं सीड की, तो सीड के भी कितने थे, दो थे, कौन कौन से थे, एक शेप था और दूसरा कलर था, तो ये भी हो गया भाई शेप और कलर। तीसरी मतलब यहाँ पे देखो, दो दो चार दो छः, सेवन ट्रेड्स थे, एक ट्रेड बचा दैट इज हाइट, वो हाइट ली थी उन्होंने, टॉल है कि स्मॉल है, तो वो वन ट्रेड हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्लावर, फ्लावर पॉड एंड सीड, इतना पूछा जा रहा है रिस्पेक्टिवली यार। तो यहाँ पे कितने हैं, देखो फ्लावर के दो हैं, पॉड के दो हैं और सीड के भी दो हैं, सिक्स हो गए। लेट्स सी आंसर यहाँ पे है, टू टू टू। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, या हो सकता है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ जाए, तो पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से इनके ट्रेड्स के बारे में, हो सकता है स्पेसिफिकली ट्रेड के नाम दे दिए जाए, तो आपको ट्रेड भी पता होना चाहिए कि कलर, पोजीशन, शेप, साइज, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति टुक अ सर्वे एंड फाइंड आउट दैट व्हेन अ हेमोफिलिक मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमेन, प्रोजेनी पॉपुलेशन वुड हैव गर्ल्स हु विल बी करियर एंड बॉयज विल बी नॉर्मल। कह रहे हैं कि एक सर्वे हुआ, श्रुति नाम की कोई लेडी है, उन्होंने सर्वे किया जिसमें हेमोफिलिक मैन जो है वो एक नॉर्मल वुमेन से शादी करते, हेमोफिल जो मैन है वो हेमोफिलिक है, उनकी शादी एक नॉर्मल वुमेन से होती है। तो जो प्रोजेनी पॉपुलेशन की, उनमें जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, करियर है, और बॉयज जो है वो नॉर्मल है। सो विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन द जीनोटाइप्स करेक्टली। अब करियर की बात हो गई, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये करियर है क्या, ये करियर नहीं होंगे, दे आर हेमोफिलिक, तो ये तो होगा नहीं, बिकॉज ये करियर कह रहे हैं बेटा, क्वेश्चन में ही करियर कह रहे हैं, बॉयज नॉर्मल है, गर्ल्स करियर है। अब यहाँ पे टू गर्ल्स की बात हुई है, तो ये देखो यहाँ पे करियर शो कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा गर्ल्स हु विल बी करियर, यहाँ पे वन बॉय लिखा हुआ है और ये बॉय क्या है, आपको लग रहा है ये हेमोफिलिक है, लेकिन इनके बारे में तो बात नहीं हुई है, तो इनके इनको भी हटा दो, टू बॉयज और ये, तो बॉयज की तो बात ही नहीं हो रही है, बॉयज तो पहले ही कट हो गए हैं इस क्वेश्चन से, बात हो रही है गर्ल्स की, तो गर्ल्स में करियर ये, ठीक है। इस हिसाब से आप शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हो कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और फिर आंसर करना है. फरोड टंग विद पार्शियल ओपन माउथ, शॉर्ट स्टैटर्ड एंड स्मॉल राउंड हेड, स्लो मेंटल डेवलपमेंट, शॉर्ट नेक एंड स्मॉल ईयर. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब इसके हिसाब से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है. इट मीन्स कि ये किसी डिजीज का सिम्टम दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी डिजीज है. चलो भाई, बड़ी सिंपल सी चीज है. ऐसा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं जिसमें कुछ कुछ इससे मिलते जुलते थे, है ना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें चार स्टेटमेंट दिया, फरोड टंग विद पार्शियल ओपन माउथ, शॉर्ट स्टैटर्ड एंड स्मॉल राउंड हेड किसमें होता है बेटा, स्लो मेंटल डेवलपमेंट किसमें होता है, शॉर्ट नेक एंड स्मॉल ईयर्स ये सब किसमें होते हैं बेटा, दे आर इन डाउन सिंड्रोम. ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक है, डाउन सिंड्रोम डिजीज के कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिएगा, सिम्टम्स पढ़ लीजिएगा और इनसे रिलेटेड डिस्कवरी, मतलब जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था या जो आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्किप मत करिएगा वो चीजें, क्योंकि रिलेटेड टू डिजीज क्वेश्चन आएगा, दैट श्योर. जेनेटिकल डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, भले एक ही क्वेश्चन आए पर आएगा जरूर. हो सकता है वो केस स्टडी के फॉर्म में आ जाए, हो सकता है वो असर्शन रीजन के फॉर्म में आ जाए, या हो सकता है वो डायरेक्ट आ जाए. नाउ वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म डीएनए इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है भाई. बड़ी सिंपल चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वन टर्न ऑफ द हेलिक्स इन अ बी फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए में जो हेलिक्स होता है उसका टर्न जो होता है वो कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, दैट इज 3.4 नैनोमीटर. ये तो याद करने वाली चीज है ना, ये आपका सही आंसर है, तो ये आपका करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, द प्यूरीन टू पिरिमिडीन रेशियो इन डीएनए मॉलिक्यूल इज. अब भाई इससे सस्ता क्वेश्चन क्या लोगे, क्या चाहिए इससे सस्ता भी क्वेश्चन कोई होगा. प्यूरीन और पिरिमिडीन रेशियो क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल में. अकॉर्डिंग टू चगाफ रूल पिरिमिडीन इज इक्वल टू प्यूरीन, प्यूरीन इक्वल टू पिरिमिडीन. क्या रेशियो होता है, 1:1 का रेशियो होता है. यही होगा ना भाई, कोई और आंसर तो होगा नहीं. नीड नॉट टू बी 1:1, 1:1, 1:2, 2:1 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, सब 1:1 है, बराबर बराबर होते हैं, सब भाई भाई होते हैं, है ना. जिसके पास जितना होता है सब शेयर कर लेते हैं. इसमें पूछ रहे हैं एस टाइप स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज, एस टाइप का जो स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में वो कैसा है. तो भाई दैट इज कैप्सुलेटेड, वर्लेंट एंड स्मूथ. डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कैप्सुलेटेड, वर्लेंट एंड स्मूथ. ठीक है, तो ये सही आंसर है, ये तो डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें. अच्छा ये क्वेश्चन बेटा अच्छा है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन है और यहां पे आपको कुछ स्पेसिफिक चीज बतानी होगी. लेट्स सी क्या बताना है. हीट किल्ड एस सेल्ड अलोंग विद All cells were injected into the mice to conclude that. क्या कह रहे हैं, हीट किल्ड एस सेल को, हीट किल्ड एस सेल थे जो एस सेल्स थे उसको हीट किल कर दिया गया, अब उसके साथ आल सेल्स को मिला के माइस में इंजेक्ट किया गया, तो क्या हुआ, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला था, ये बताना है आपको. सी बेटा क्या हुआ था, जब हीट किल्ड एस सेल को डाला गया तो माइस सर्वाइव कर गया, बट जब हीट किल्ड एस सेल को आर सेल्स के साथ मिक्स करके माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की कुछ टाइम बाद क्या हो गई, डेथ हो गई. वापस जब उसमें से एस सेल को निकाल के चेक किया उन्होंने तो पाया कि एस सेल जो थे वो जिंदा हो गए भाई, तो जादू हो गया था. इसका मतलब कि कुछ इसमें एक्टिवेशन हो गया था. फाइन, तो यहाँ पे अगर देखिए, नाइस सर्वाइव एंड शोड लाइव एस सेल, सर्वाइव तो किया नहीं था ना माइस ने. इसके बाद कह रहे हैं माइस डाइड एंड शोड लाइव एस सेल, माइस क्या हुआ था, डेड कर गया था और लाइव सेल्स जो थे वो एस सेल थे. ठीक, तो इसमें ये करेक्ट आंसर होगा. क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग. सो ये देखो, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें क्या कहा जा रहा है ये आपको देखना पड़ेगा, देखेंगे तभी तो बताएंगे भाई क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा. चलो लेट्स सी. ऑब्जर्व द डायग्राम ए एंड बी केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये डायग्राम
ए है और ये डायग्राम बी है। अब ये देखो इसमें कह रहे हैं बैक्टीरियोफाज रेडियो एक्टिव एस लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, यहाँ पे कह रहे हैं रेडियो एक्टिव पी लेबल्ड डीएनए। नाउ सी क्या होता है इसमें, यहाँ पे देखो इन्फेक्शन होता है, ब्लेंडिंग होती है और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है ना। अब इसमें क्या होगा बेटा, ए और बी दोनों के बारे में बात करनी है, ये ए का दिया हुआ है और ये बी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें जो रेडियो एक्टिव एस है दैट इज ये किसमें डिटेक्ट हुआ था, सुपर नेटेंट में, सेल्स में नहीं सुपर नेटेंट में। और यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इसके इन्फेक्शन थे, रेडियो एक्टिविटी थी, वो किस में डिटेक्ट हुआ था, दैट इज डिटेक्टेड इन सेल, ये सेल में, ये सुपरनेटेंट में और ये सेल में। लेट्स सी, रेडियो एक्टिव एज डिटेक्टेड इन सेल, सेल में नहीं थे ये तो पहले ही हट गया, मतलब रेडियो एक्टिव एज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, ये तो सही बात है, रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट में ही मिला। यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिव पी डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, क्या सुपरनेटेंट में मिला था, नहीं सुपरनेटेंट नहीं मिला था, तो ये भी नहीं है। रेडियो एक्टिव एज डिटेक्टेड इन सेल, रेडियो एक्टिव एज सेल में नहीं डिटेक्ट हुआ था। रेडियो एक्टिव पी डिटेक्टेड इन सेल, ये तो सही दिया हुआ है पर ये गलत दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में देखते हैं, रेडियो एक्टिव एज डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, मतलब कोई रेडियो एक्टिव इसमें सुपरनेटेंट में नहीं मिला, सेल में मिला, और इसमें कहाँ पे मिला, सुपरनेटेंट में मिला। ठीक, ऑप्शन मिल गया आपको, यही होगा। अब देखो यहाँ पे सुपरनेटेंट है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक के पास सुपरनेटेंट है एक के पास नहीं। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि रेडियो एक्टिव एस नॉट डिटेक्टेड इन सेल, और यहाँ पे हो सकता था रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल। ठीक है, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िएगा। ओके, कभी कभी घुमा भी देते हैं, मतलब ऑप्शन थोड़ा टर्न कर देते हैं ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो सको, लेकिन बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बहुत अच्छे मार्क्स गेन करने हैं आपको अपने पेपर में। चलिए आ जाइए सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पे, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कह रहे हैं All heredity character must be with sperm and egg cell as they provide bridge one generation to next. So that is true. इसमें क्या होता है, जितने भी heredity character होते हैं ये sperm और egg cell से होते हैं, जो कि एक bridge का काम करते हैं between one generation to next generation. Now the heredity factor must be carried by the nuclear material. ये भी सही है भाई, जो heredity factor होते हैं इसको कौन carry करता है, nuclear material carry करते हैं। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो फाउंड इन पेयर लाइक द मेंडेलियन एलील, क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। इसके बाद कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव भाई जब तीनों बातें सही हैं तो क्या करोगे, ऑल ऑफ द अबव ही करोगे ना, तो ऑल ऑफ द अबव और यही सही आंसर है आपका। तो बेटा यहाँ पे आपका सेक्शन ए जो है वो फिनिश हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या है भाई, तो जैसे कि आपको पता है पहले ही सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सीरियल नंबर 25 से लेके 48 तक। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही करने हैं, और जो पहले 20 क्वेश्चन आप करोगे उसी की आपको मार्किंग होगी या उसी का इवैल्यूएशन होने वाला है। सी सेक्शन 25 सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक दो स्टेटमेंट दिए होंगे, असर्शन और रीजन। पता है आपको असर्शन और रीजन के चार ऑप्शन हमेशा मिलते हैं। क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब दोनों बातें सही हैं और जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन का सही रीजन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब बातें तो दोनों सही लिखी हुई हैं लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट नहीं लिखा हुआ है असर्शन का। ओके, सी पे आते हैं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, मतलब ए सही है बट जो रीजन असर्शन जो है वो सही है बट रीजन गलत लिखा हुआ है। एंड द लास्ट वन, ए इज फॉल्स, असर्शन गलत है और रीजन ट्रू है। ठीक है, तो ये हो सकता है या फिर एक और ऑप्शन आपको यहाँ मिल सकता है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उस हिसाब से आप आंसर अपने पेपर में करिएगा। फिलहाल यहाँ पे जो है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों ये है आपका असर्शन और रीजन का सबसे पहला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम
In a microsporangium, the tapetal cell possesses little cytoplasm and generally have a single prominent nucleus. इसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे देखिए बच्चों आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, असर्शन जो दिया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टैपिटल सेल होते हैं इनके पास कह रहे हैं लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, तो इनके पास क्या होता है। अच्छा पहले टैपिटम करते क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को, और इनके पास प्रोटोप्लाज्म होता है ओके, और थोड़ा बहुत इनके पास न्यूट्रिएंट होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले भी सेल्स होते हैं जो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो आपका असर्शन तो गलत हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं ड्यूरिंग माइक्रोस्पोर जेनेसिस द माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो ये सही दिया हुआ है। इसका मतलब कि असर्शन आपका गलत है बट रीजन जो है वो ट्रू है। तो कौन सा सही होगा बच्चों, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो ये हो गया, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचोगे ना तो ये क्वेश्चंस भी कर लोगे। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बस होता है कि यहाँ पे दो चीजें लिखी होती हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है, यही दिक्कत आती है बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, असर्शन में कह रहे हैं ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म्स द एम्ब्रियो इन ह्यूमन, ह्यूमंस में ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो को, ऐसा तो नहीं होता ना। देखो दो लेयर होती है ना, एक ट्रोपोब्लास्ट होता है एक इनर सेल मास होता है, तो जो ट्रोपोब्लास्ट होता है वो एम्ब्रियो का एक कवरिंग बन जाता है, आउटर लेयर बन जाता है, और इनर सेल मास जो होता है दैट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। इसके बाद कह रहे हैं इम्प्लांटेशन अकर इन ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला स्टेज, तो ये तो सही बात है भाई कि जो इम्प्लांटेशन होता है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट होता है या फिर ब्लास्टुला स्टेज उसे हम लोग कहते हैं, फाइन। तो अब यहाँ भी वही बात हो गई, असर्शन जो है आपका वो गलत हो गया है और रीजन जो है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, आपका ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, लेट्स सी एक मिनट। Inability to produce children in spite of unprotected sexual practice is called infertility. The reason for infertility could be physical injury, congenital disease, drugs, etc. अब कह रहे हैं जो inability होती है to produce children, बच्चे हो नहीं रहे हैं, okay? Childrens हो नहीं रहे हैं, produce नहीं हो रहे हैं, तो इसकी वजह क्या होती है? मतलब अनप्रोटेक्टेड किया जा रहा है, वहाँ पे कोई भी बैरियर नहीं है फिर भी चिल्ड्रंस नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी, सही दिया हुआ है। अब कह रहे हैं जो रीज़न है इनफर्टिलिटी का, ये कुछ फिजिकल इंजरी भी हो सकती है, ड्रग्स का यूज़ भी हो सकता है, मेडिसिन का इफेक्ट भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डिजीज हो सकती है, कंजेनाइटल डिजीज हो सकती है ना, तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब यहाँ पे असर्शन और रीज़न सही दिया हुआ है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है असर्शन का, तो कौन सा सही होगा, ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देख लीजिए यही होगा ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें। इनएबिलिटी इनफर्टिलिटी की कंडीशन बता रही है, इनफर्टिलिटी का रीजन दिया जा रहा है कि क्यों होगा, ठीक, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ओके यहाँ भी असर्शन और रीजन वाले ही क्वेश्चन है और यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, वही दो स्टेटमेंट आपको मिलेंगे और चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, देखते हैं क्या है। यूकैरियोटिक एमआरएनए रिक्वायर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल एमआरएनए, ठीक है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट पजेस एक्स्ट्रा नॉन फंक्शनल सेगमेंट कॉल्ड इंट्रॉन, यूकैरियोटिक एमआरएनए क्या होते हैं, इनको चाहिए होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, किस लिए, फंक्शनल, फॉर द फंक्शनल एमआरएनए, एमआरएनए के फंक्शनल के लिए, फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद कह रहे हैं रीजन, तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट पजेस एक्स्ट्रा नॉन फंक्शनल सेगमेंट कॉल्ड इंट्रॉन, जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्ट होते हैं इनके पास नॉन फंक्शनल सेगमेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रॉन, और फंक्शनल सेगमेंट को क्या कहते हैं, एक्सॉन, है ना। अब यहाँ पे देखो दोनों बातें सही लिखी हुई हैं और रीजन भी सही लिखा हुआ है कि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होते हैं इनको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चाहिए होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फंक्शनल एमआरएनए। अब इसमें कुछ
फंक्शनल होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं। तो जो नॉन फंक्शनल होते हैं उसे हम लोग इंट्रॉन कहते हैं, सिंपल चीज है। अब यहाँ पे बेटा दोनों बातें सही हुई हैं और रीजन भी आपका सही है, तो ए ये सही होगा ऑप्शन। चलिए तो ये चार आपके असर्शन और रीजन के क्वेश्चन थे। अब बाकी फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ देखो बेटा, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये किसका डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। द फंक्शन ऑफ डी इन द फिगर गिवन बिलो, डी क्या है हमें ये बताना है। अब सी ये क्या है, ये तो सर्विक्स है, CERVIX। बी क्या है, यूट्रस है। सी क्या है, फेलोबियन ट्यूब है। और डी क्या है, ओवरी है। आप कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ डी का हमें बताना है, डी का फंक्शन क्या है। प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, कलेक्शन ऑफ ओवम, ल्यूब्रिकेशन ऑफ वजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ये फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, ओवरी है ना, तो ये क्या करते हैं, ओवा का फॉर्मेशन करते हैं, एग का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या होते हैं, फीमेल गैमेट होते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट नहीं पूछा है कि वो काम क्या करते हैं, बल्कि कुछ और फॉर्म में नाम दे दिया, गैमेट है, जैसे ओवा ना पूछ के गैमेट पूछ लिया है, फीमेल गैमेट पूछा है। तो ऐसे बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है ऐसे ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से भी क्वेश्चन आ जाए, तो ये देख लीजिएगा आप लोग। ओके, इसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ, कहने जो प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल होते हैं ये किन सेल से डेवलप होते हैं। सिंपल चीज है, दे आर डेवलप टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड। अब ये माइक्रोपाइलर एंड, इनका जो न्यूसिलस होता है, न्यूसिलस होता है दैट डेवलप फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट इज ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, ये प्लांट आप देख रहे हो, कुछ याद आ रहा है इस प्लांट से। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है प्लांट में। रमन टुक वेलिसनेरिया प्लांट इन ऑर्डर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर हिज साइंस प्रोजेक्ट एंड मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक रमन नाम का बच्चा है जिसने वेलिसनेरिया प्लांट लिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है। अब हमें बताना है इसका करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। सिंगल वाइट फीमेल फ्लावर ग्रो ऑन लॉन्ग स्टैक, तो सही लिखा है। पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड थ्रेड लाइक, पॉलन ग्रेन भी हल्के हैं और थ्रेड लाइक हैं, ये भी बात सही है। पॉलिनेशन इज अचीव थ्रू एयर और बाय इंसेक्ट्स। अब भाई ये क्या बात हुई, पॉलिनेशन क्या एयर या इंसेक्ट के थ्रू होगा? नहीं भाई, पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, H2O के थ्रू होगा, है ना। सो नेक्स्ट दिया हुआ है, फीमेल फ्लावर पजेस अ लॉन्ग पेडिकल, ये भी बात सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड आर करेक्ट, हमें बताना है कि कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड करेक्ट है एंड फोर्थ करेक्ट है। पॉलिनेशन वाली बात गलत है, मतलब थर्ड पॉइंट गलत है। अब चलो जरा देखते हैं, वन एंड टू दिया हुआ है, टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री, थर्ड गलत है, वन टू एंड फोर ये सही होगा, है ना। ठीक है, ये कुछ मतलब बेसिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपको आने चाहिए बेटा। इन क्वेश्चंस में गड़बड़ी नहीं करिएगा, बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A class X student Akash wanted to observe the phenomena of pollination, so he took a complete flower. However, he later observed that the flower had already lost its stamen. What will happen in these condition? कहने कि एक स्टूडेंट है आकाश, उसने पॉलिनेशन का फिनोमेना समझना चाहा, सो उसने एक कंप्लीट फ्लावर लिया। बाद में वो क्या देखता है कि जो फ्लावर है उसका स्टेमन जो है वो लॉस्ट हो चुका है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पे बेटा ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। अगर फ्लावर पॉलिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें और फ्लावर का स्टेमन ही गायब हो जाए तो क्या करोगे, वहां पे ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, कहना है द फ्लावर विल रिप्रोड्यूस पैथोजेनेटिकली,
The flower will self-pollinate, new flower will not be produced, same variety of flowers are formed. क्या होगा जब स्टेमन ही नहीं है तो कोई नया फ्लावर कैसे बन सकता है भाई, नहीं बनेगा ना। पॉलन ग्रेन्स जब जाएंगे ही नहीं, फ्यूज ही नहीं हो पाएंगे, उसका फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा, तो चांसेस ही नहीं है। सो न्यू फ्लावर विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर सकते हैं ऐसे टाइप के, ठीक है। चलिए, इसीलिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि आप कंफ्यूज ना हो भाई, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अपने सारे फ्यूज को सही जगह लगा के रखिए, क्वेश्चंस करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। नाउ विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रूल इन सर्टेन स्कीम्स एंड स्ट्रेटजीज विच कुड बी हेल्प टू ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्राफ। Select the statement which include steps implemented by the government to control the growing population. Okay, हमें government के कुछ regulations हैं वो बताए जाते हैं, जो हम लोगों ने books में भी पढ़े हैं, अपने NCERT में दिया हुआ है। अब इसमें से बताना है कि government ने population को control करने के लिए कौन कौन सी तरकीबें अपनाई हैं। Advertising the benefit of a small family, slogans like हम दो हमारे दो, सुना ही होगा आपने, टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग होती रहती है, जैसे छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे मतलब आते रहते हैं ना स्कीम्स, एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, तो ये तो बात सही है। राइजिंग द मैरिजेबल एज 18 फॉर फीमेल एंड 21 फॉर मेल्स। तो पहले क्या होता था, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी, मतलब बच्चे छोटे छोटे होते थे तो ही उनकी शादियां हो जाती थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक मैरिजेबल एज लगा दिया, जिसकी मतलब फीमेल्स की एज 18 होनी चाहिए कम से कम शादी के लिए, और जो मेल है उनकी एज 21 होनी चाहिए, इसके बाद ही वो शादी कर सकते हैं, अगर पहले किया तो वो इलीगल हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें समझ में आई। कंट्रोलिंग द कंट्रासेप्टिव मेजर, क्या गवर्नमेंट ने कंट्रासेप्टिव मेजर को कंट्रोल किया? नहीं किया, ये बात गलत है। सो बोथ ए एंड बी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब डी आपका सही है, बोथ ए एंड बी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। ओके, अब कह रहे हैं व्हाट आर अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अर्ली सिम्टम्स बताने हैं क्या होते हैं। फीवर, कॉन्स्टिपेशन एंड स्लाइट पेन इन जॉइंट्स, नोजिया, हेडेक एंड सिवेर जॉइंट पेन, इचिंग, फ्लूड डिस्चार्ज, स्वेलिंग इन द जेनाइटल रीजन, और नन ऑफ द अबव। जो अर्ली सिम्टम होते हैं एसटीडी के, इसमें क्या होता है, इचिंग होने लगती है, फ्लूड डिस्चार्ज होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है जेनाइटल रीजन्स पे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा भाई, सी, यही होगा ना, यही तो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्पीशीज बोथ ऑटोगैमी एंड गाइटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड। कौन से केस में ऑटोगैमी और गाइटेनोगैमी प्रिवेंट होता है? देखो बेटा, ऑटोगैमी मतलब फ्लावर जो होता है वो खुद से ही पॉलिनेशन कर लेता है, मतलब एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। गाइटेनोगैमी में एक प्लांट पे फ्लावर अलग अलग होते हैं, वहां से पॉलिनेशन हो जाता है। ओके, मतलब एक ही घर में दो बच्चे रहते हैं, वो आपस में पॉलिनेशन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे कह रहे हैं इसमें से कौन सा प्रिवेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है पपाया, पपाया में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट ही होते हैं, तो ना यहाँ पे ऑटोगैमी होगा ना गाइटेनोगैमी होगा, सिंपली। तो ये क्या होगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डायशियस प्लांट होते हैं ना पपाया के, एक ही होते हैं कोई मेल या फीमेल। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सी, अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड एंड मदर वॉज नॉर्मल मैरीज अ वुमेन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड बट मदर वॉज नॉर्मल, दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज अ डॉटर, वॉट आर द चांसेस दैट चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, ये बताना है आपको। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, एक नॉर्मल विजन का मैन है जिनके फादर को कलर ब्लाइंडनेस था और मदर जो थी उनकी वो नॉर्मल थी, जो मतलब एक मैन है उनके फादर कलर ब्लाइंड है और मदर नॉर्मल है। अब मैन की शादी हो जाती है वुमेन से जिनके फादर भी कलर ब्लाइंड है और मदर क्या है, नॉर्मल है। अब हमें बताना है कि जो उनका फर्स्ट चाइल्ड है, डॉटर है, उसके चांसेस क्या है कलर ब्लाइंडनेस के, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करवाओगे यहाँ पे? यहाँ पे आपको बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्रॉस करवाना पड़ेगा, ठीक है? क्या करवाओगे आप? क्रॉस करवाओगे। नाउ सी व्हाट वी डू, सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो मदर है वो कलर ब्लाइंड उनके फादर थे, सो शी इज एक्टिंग लाइक अ करियर। अब बात करें अगर फादर की, तो फादर क्या है, मतलब ये जो बच्चे बच्चा है, ये फर्स्ट चाइल्ड डॉटर है, इसके फादर, तो इसके फादर क्या है, उनके फादर मतलब बच्चे के ग्रैंड फादर को कलर ब्लाइंडनेस था, तो फादर पे उनका इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है? तो ये नॉर्मल फादर हो गए, ये करियर मदर हो गई। अब बेटा अगर इनके गैमेट्स बनाएंगे हम, तो ये गैमेट्स बनेंगे, ठीक है? अब ना अगर ऑफस्प्रिंग्स इनके फॉर्म करें, तो पहले इनसे करें, ठीक है, फिर इनसे करें। ये देखो ये नॉर्मल डॉटर है, ये कलर ब्लाइंड डॉटर है, ओके? नाउ अब दूसरी बात करें हम लोग वाई से, तो ये होगा दिस, ये नॉर्मल सन होगा और ये कलर ब्लाइंड सन होगा, सो दैट इज नॉर्मल डॉटर, दैट इज करियर डॉटर, और ये क्या है, नॉर्मल सन और ये कलर ब्लाइंड सन। अब कह रहे हैं कि व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, और चाइल्ड किया जेंडर क्या है, फीमेल है, पहली गर्ल चाइल्ड है, डॉटर है, और उसके चांसेस क्या है कलर ब्लाइंड होने के, सो दैट इज 0%, क्योंकि यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, एक में करियर है और एक में नहीं है, तो करियर में भी तो वो कलर ब्लाइंड तो होंगे नहीं, बिकॉज ये भी तो कलर, जो इनकी मदर थी वो भी करियर का ही काम कर रही थी, बट शी इज नॉट कंप्लीटली कलर ब्लाइंड, शी इज एक्टिंग लाइक अ करियर, ओके? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो ये भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा। लेट्स सी, द ट्रांसफरेंस ऑफ जीन्स फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर ड्यूरिंग सिनेप्सिस इज टर्म एज, सिनेप्सिस होता है तो वहां पे क्या होता है, जो ट्रांसफरेंस होता है जीन का एक क्रोमोसोम से दूसरे पे ड्यूरिंग सिनेप्सिस, सिनेप्सिस के टाइम पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली दैट इज क्रॉसिंग ओवर, है ना? ये तो वन वर्ड आंसर था, ये पता होना चाहिए आप लोग को, सबको पता होगा आई होप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग कंटेन। अब बेटा अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग होगा तो उसमें क्या होगा, देखो मेल मेल जो होते हैं, मेल गैमेट्स में क्या होता है, एक्स और वाई, फीमेल गैमेट्स में क्या होते हैं, एक्स और एक्स। अब जब ये फर्टिलाइज नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होगा, है ना? तो जो अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग होगा, इट कंटेन ओनली एक्स क्रोमोसोम, वन एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, यही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हैप्लॉइड होते हैं ना, डिप्लॉइड तो होते नहीं है, सो दे आर वन एक्स क्रोमोसोम। XXXY human type, XXXY type of sex determination is observed in case of, किस में होता है भाई, सिंपल सी चीज है ये भी, XX और XY, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को। ये तो सबसे पहली बात ह्यूमंस में होता है, फाइन। दूसरी बात करें तो ये ड्रोसोफिला में भी होता है, जैसे ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं, सेम वैसे ही ड्रोसोफिला में भी होते हैं। आंसर क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमन और ड्रोसोफिला, कहीं दिया है ए और बी, ये देखिए ये दिया है बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था ना, ओके। नेक्स्ट कह रहे हैं लॉ ऑफ मेंडल विच इज नॉट कंप्लीटली एप्लीकेबल इज, जो लॉ ऑफ मेंडल है दैट इज नॉट कंप्लीटली एप्लीकेबल, ये कहाँ कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं है। देखो बेटा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये सिर्फ उन जीन्स के लिए है जो कि लिंक्ड नहीं होते हैं, जो सिर्फ लिंकअप हो जाएंगे उन्हीं के लिए, जो लिंक नहीं होते उनके लिए नहीं है। दूसरी बात करें लॉ ऑफ डोमिनेंस की, तो ये वही एप्लीकेबल होता है जहां पे कोडोमिनेंस नहीं होता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता, मतलब कि अगर कोडोमिनेंस होगा या इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तो वहां ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस हिसाब से आपका बी और सी दोनों होगा, सो बोथ बी एंड सी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, ओके। Which cross will result in most pink flower? Most pink flower किससे होंगे भाई, रेड और वाइट से होंगे,
सिंपल सी चीज है ये तो, विच क्रॉस विल रिजल्ट इन मोस्ट पिंक फ्लावर, रेड रेड से होंगे नहीं, रेड पिंक से होंगे नहीं, रेड और व्हाइट से होंगे, ये तो रेड और व्हाइट से होंगे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा ये देखो क्वेश्चन आ गया बड़ा सा, सोचोगे ये क्या क्वेश्चन है भाई, अब इसमें क्या करना है हमें, चलो देखते हैं क्या करना है। ऑब्जर्व द बिलो गिवन डायग्राम ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये किसका डायग्राम है बेटा, दैट इज द डायग्राम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहले दिया हुआ है देयर आर टू मेन रीजंस ऑन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, क्या सिर्फ दो ही रीजन होते हैं, एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है, तो दो तो होंगे नहीं, यहाँ पे तीन होंगे, थ्री मेन रीजंस होंगे। चलो नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर एंजाइम और प्रोटीन, ये बात सही है। प्रमोटर इज द बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ये भी सही है, प्रमोटर जो होता है ये बाइंडिंग साइट होता है आरएनए पॉलीमरेज का। स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं कोड फॉर, ये कोड करते हैं एंजाइम और प्रोटीन्स के लिए। टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट थ्री प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम, तो टर्मिनेटर थ्री प्राइम एंड पे होता है, डाउनस्ट्रीम पे होता है। इनकरेक्ट कौन सा है बेटा, फर्स्ट वन, देयर आर थ्री मेन रीजन ऑन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, इन डीएनए 20% बेसिस आर एडेनिन, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिस आर पिरामिडिन। पिरामिडिन के हमें परसेंटेज बताने हैं कि क्या होगा, क्या होता है बेटा, ये तो बहुत थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें, बट लेट्स सी। एडेनिन का, हाँ एडेनिन का परसेंटेज दिया हुआ है, दैट इज, रुको, एडेनिन का परसेंटेज दिया हुआ है हमें 20%, एडेनिन इक्वल टू 20%। अब एडेनिन इक्वल टू 20% हो गया तो थायमिन कितना होगा, वो भी 20% होगा, सो ए प्लस टी इक्वल टू 40%। कैसे, बिकॉज थायमिन इज ऑल्सो इक्वल टू 20%। अब बेटा क्या बचा, ग्वानिन और साइटोसिन, तो जी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 40 कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 60%। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिस आर पिरिमिडिन, तो इस हिसाब से हम लोग देखें तो जी इक्वल टू होगा 30%, है ना, और सी इक्वल टू भी होगा 30%, क्लियर। अब क्या बताना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बेसिस आर पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन क्या होते हैं, टी प्लस सी, ओके, तो ये टी आपका कितना है 20% और सी कितना है बेटा 30%, 20% प्लस 30% कितना हो गया इक्वल टू 50%, यही आंसर होगा ना, 50% होगा। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 30%, 60%, 50%, क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चन में आप लोग गलती क्या कर सकते हो, पिरिमिडिन पूछा है बिना सोचे समझे, आप हो सकता है टिक कर दो कुछ पे भी, क्वेश्चन हो सकता है पूरा पढ़ो ही ना, सॉल्व ही ना करो और वहां पे टिक कर दो, तो वो बेटा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ लेना क्या कह रहे हैं। चलो ये देखो, ये भी आपको लग रहा होगा बहुत रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन है भाई, लेकिन ये रॉकेट साइंस का क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये डायग्राम आपको देखना है और बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। पहले आप डायग्राम देख लीजिए, किसका डायग्राम है, मैसेंजर आरएनए, मतलब कि एमआरएनए का डायग्राम है। नाउ सी व्हाट दे आर सेइंग, इट रिप्रेजेंट द रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट में रेप्लिकेशन हो रहा है, नहीं ये तो यूकैरियोट में रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, दूसरी कह रहे हैं इट रिप्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ये भी नहीं है। इट रिप्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ओके, तो ऐसे बेटा डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, बस हो सकता है उसका प्रोसेस पूछ दे कि हो क्या रहा है, काम क्या कर रहे हैं ये, या कहीं एक जगह का कुछ फंक्शन पूछ सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा, डायग्राम प्रैक्टिस करिए बेटा, बार बार कह रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन ए शुड बी मोस्ट अबेंडेंट इन एनिमल सेल,
एनिमल सेल ही पूछ रहे हैं। अब ये तो बहुत जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो आरएनए होते हैं ये अबंडेंट होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन कौन से आरएनए होते हैं? तो आरआरएनए होते हैं, ये क्या करते हैं? कोडिंग और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। कुछ तो काम करना पड़ेगा इनो, तो ये कोडिंग करते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। आरआरएनए कहाँ भाई? ये है आरआरएनए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। ओके, अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं क्या कह रहे हैं। हेमोफीलिया रेयरली अकर इन वुमेन एज इट इज अ डैश जीन डिजीज, इट इज लीथल इन डैश कंडीशन। कह रहे हेमोफीलिया रेयरली होते हैं वुमेन्स में, हेमोफीलिया वुमेन्स में रेयरली होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कौन से रेसेसिव होते हैं या डोमिनेंट होते हैं, वहां पे ये पूछ रहे हैं। और ये लीथल होते हैं किन कंडीशंस में, ये लीथल होते हैं आपको ये बताना है। देखो बेटा, हेमोफीलिया क्या होता है आपको पता होगा, डोमिनेंट है कि रेसेसिव है? रेसेसिव है भाई, ये क्या है? रेसेसिव जीन डिजीज है। अब क्या है लीथल इन कंडीशन, तो ये किस कंडीशन में लीथल हो सकते हैं? तो ये इस कंडीशन में लीथल होंगे, है ना। चलो देखें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे तो ऑटोसोमल है, वो डोमिनेंट है पर डोमिनेंट होगा ही नहीं, रेसेसिव है। ये देखो, ये लीथल की भी कंडीशन दी है और रेसेसिव की भी कंडीशन दी है। फाइन, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है ओके, द बैकबोन ऑफ आरएनए कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर। जो बैकबोन होता है आरएनए का वो कंसिस्ट करता है कौन से शुगर को? तो वो कंसिस्ट करता है राइबोस शुगर को। अब यहाँ पे राइबोस शुगर कौन सा है बेटा? देखो ये ए बी सी डी में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि राइबोस शुगर कौन सा होगा। यहाँ पे देखो C5H10O5, यही फॉर्मूला होता है ना राइबोस शुगर का, यही है। ऐसे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। वरना ये देखो ऐसे क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, क्या करें क्या करें क्या करें और फिर छोड़ के चले जाओगे, है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। सो कह रहे हैं रेफर टू द डायग्राम शोइंग डीएनए रेप्लिकेशन एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। हमें इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है, क्या बताना है? इनकरेक्ट ऑप्शन। नाउ सी, डायग्राम देखिए और उसके बाद ऑप्शन हम पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं ऑन 3' to 5' टेम्पलेट न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड टू द 3' एंड ऑफ प्राइमर डीएनए। क्या ये बात सही है? ये बात सही है, क्योंकि जो 3' to 5' टेम्पलेट होता है वहां पे न्यू स्ट्रैंड जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आके वहां पे अटैच हो जाते हैं, उससे फॉर्मेशन होता है। नाउ इसके बाद कह रहे हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट ऑन 5' to 3' टेम्पलेट आर फॉर्म बाय डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये भी सही है, आरएनए प्राइमर इज रिमूव फ्रॉम 5' एंड बाय 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज वन। इसका मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही दिए हुए हैं। अब क्या करोगे? लास्ट में दिया हुआ है नन ऑफ द अबव, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? कोई भी ऑप्शन इसमें से गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे जहां आपको कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके नाउ कम टू द सेक्शन सी। अब हम लोग आ गए हैं बेटा सेक्शन सी पे, और सेक्शन सी में आपको पता है एक केस स्टडी मिलने वाली है और बाकी 6 और क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पूरे के पूरे इसमें 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। करने कितने हैं? ओनली एंड ओनली 10 क्वेश्चंस करने हैं। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस आप इस सेक्शन से करोगे उसी का इवैल्यूएशन होने वाला है। फाइन, क्लियर क्लियर मेंशन है। चलिए भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या केस स्टडी है और हमें क्या करना है। ओके डायग्राम दिख रहा है बेटा आपको? अब इस डायग्राम में हमें क्या करना है, या तो नाम लिखना होगा या इनका फंक्शन पूछ रहे होंगे। ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर दैट फॉलो। हमें पहले डायग्राम देखना है उसके बाद उसका आंसर करना है। ए पी क्यू आर एस टी, किसी की फ्लावर का डायग्राम दिख रहा है। चलिए क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द लेवल क्यू एस टी। हमसे तो ये क्यू एस और टी के बारे में ही पूछ रहे हैं कि क्या होगा।
क्या करो बेटा, सबसे पहले सबका नाम ही लिख डालो, ठीक है। अब देखो ए पे क्या है, दैट इज स्टिग्मा। ए पे क्या है, स्टिग्मा है, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं, ए पे स्टिग्मा है। बी पे क्या है बेटा, बी पे है पोलन ट्यूब, पी सॉरी बी नहीं पी पोलन ट्यूब। अब यहाँ पे देखो क्यू आर एस टी, तो क्यू पे क्या है, यहाँ पे देखो क्यू पे क्या है, एंटी पोडल, फाइन। आर की अगर बात करें, ये देखो ये सेंटर में आर है, तो ये है पोलर न्यूक्लियाई, फाइन। अब इसके बाद क्या है, एस और टी, एस पे क्या है भाई, एस पे है आपका एग सेल, और टी पे क्या है, सिनर्जिड। मतलब ए पे आपका स्टिग्मा है, बी पे पोलन ट्यूब है, क्यू पे एंटीपोडल सेल्स हैं, और आर पे आपका पोलर न्यूक्लियाई है, एस पे आपका एग सेल है, और टी पे आपका सिनर्जिड है। पूछ कहाँ रहे हैं, क्यू एस टी, क्यू पे क्या है, एस पे क्या है, टी पे क्या है, क्यू पे क्या है, एंटीपोडल है, क्यू पे एंटीपोडल, एंटीपोडल ये और ये, चलो इससे नहीं काम होगा। एस पे देखते हैं, तो एस पे एग सेल है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस दिया हुआ है, और फिर टी पे सिनर्जिड है, बस यही करना था आपको। चलिए ये नाम याद रखिएगा, फर्दर हो सकता है आगे कुछ और पूछा जाए, क्योंकि केस स्टडी है भाई, कहीं भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड एम्ब्रॉयो सैक इज, जो ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की टूवर्ड एम्ब्रॉयो सैक, ये क्या होती है। तो ग्रोथ जो होती है बेटा पोलन ट्यूब की, दैट इज बाई केमिकल्स, और वो क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, ऑक्सिन होता है, जो कि प्रमोट करता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीमोटॉक्सिस। तो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है कीमोटॉक्सिस, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लेबल पी, लेबल पी के अकॉर्डिंग हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पी क्या है आपका, दैट इज पोलन ट्यूब, है ना, पता है ना, पी आपका पोलन ट्यूब है। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं, इट एक्ट एज अ कंडक्ट टू ट्रांसपोर्ट द मेल गैमेट फ्रॉम पोलन ग्रेन टू ओव्यूल। दूसरा कह रहे हैं इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय मेल गैमेटोफाइट ऑफ सीड प्लांट। इसके बाद कह रहे हैं इट्स ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल कंटेंट इन इट, और फिर लास्ट में कह रहे हैं बोथ ए एंड बी। पूछ क्या कह रहे हैं, नॉट करेक्ट मतलब कि आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा गलत होगा। यहाँ पे देखो कह रहे हैं इट्स ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल कंटेंट इन इट, तो जो इसके पास केमिकल होता है उसकी वजह से क्या ग्रोथ होती है, तो उसकी ग्रोथ जो होती है दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द केमिकल, केमिकल की वजह से ग्रोथ नहीं होती है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना, केमिकल्स की वजह से तो वहां पे ग्रोथ होती नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Identify the structure A and its correct characteristic. A, A क्या है? Stigma है. A is a stigma. It is the top of the female part of the flower. A is stigma. It receives pollen grains. A is a style. It induces the growth of pollen tube. और last में दिया है both A and B. कौन सा सही होगा भाई? Both A and B. क्योंकि A क्या है? Stigma है. ये female part होता है flower का. और ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, यही तो रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, छोटे छोटे मेल गैमेट्स आते हैं, पोलन ग्रेन आते हैं, वही उसको रिसीव करता है, फिर ट्रांसफर करता है पोलन ट्यूब में। तो इस हिसाब से आपका बोथ ए एंड बी आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये भी आपका केस स्टडी है। कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व, फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में, और इसे हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज, क्यों कहते हैं, देखो ये एक स्पेशल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, आप सबको पता है दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, असंगामी होती है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। क्या कह रहे हैं, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट इन अ पोलन ट्यूब विद टू डिफरेंट एग, फिर कह रहे हैं संगामी एंड ट्रिपल फ्यूजन
इसके बाद कह रहे हैं फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विथ वन एग सेल, और फिर लास्ट में कह रहे हैं फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई, क्या होगा बेटा? सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 54। हाँ, ये कह रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं? कितने होते हैं? दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं, टू स्पर्म न्यूक्लियाई, ठीक है, और क्या होते हैं? टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई, और कुछ और होता है बेटा? एक और क्या होता है? एक जो होता है दैट इज एग न्यूक्लियस, एग न्यूक्लियस। कितने हुए? दो दो चार एक पांच, पूरे के पूरे पांच। सी, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टेकिंग पार्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन इज फाइव, दिया हुआ है कहीं? ये यही करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आपकी केस स्टडी खत्म हो गई है। रिमेनिंग आपकी केस स्टडी के अलावा जो छह क्वेश्चन है, अब हम लोग उस पे आते हैं। सी क्या कह रहे हैं, चूज करेक्ट ऑप्शन फॉर ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर। टेस्ट क्रॉस है, ए बी सी और डी के बारे में पूछा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि ये क्या हो सकता है, क्या होगा भाई? अब इसके लिए आपको टेस्ट क्रॉस करवाना पड़ेगा, तो चलो भाई जल्दी से टेस्ट क्रॉस करवा लो, पता चल जाएगा खुद ही। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इधर ये और ये क्रॉस करवाओ बेटा। ये यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे भी ये मिला, और यहाँ पे भी ये, सब अलग अलग लग रहे हैं। इट मीन्स ऑल आर हेटरोजाइगस। क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर हेटरोजाइगस वाइल सी एंड डी आर होमोजाइगस। ए और बी हेटरोजाइगस है, सी और डी होमोजाइगस है, ये तो चारों के चारों हेटरोजाइगस हैं। ए बी सी एंड डी आर हेटरोजाइगस, ए बी सी और डी क्या है? हेटरोजाइगस है भाई, सब अलग अलग है ना, और अलग अलग को क्या कहते हैं? हेटरोजाइगस कहते हैं। होमोजाइगस तब होता जैसे मान लीजिए ये आता या फिर ये आता, तो ये कंडीशन आपकी होमोजाइगस की हो जाती। ऐसे क्या है? हेटरोजाइगस की कंडीशन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, और ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये देखो क्या दिया है, पॉसिबिलिटी वन, पॉसिबिलिटी टू, एनाफेज दिया हुआ है। इसमें क्या होता है? मियोसिस, पहला मियोसिस होता है। इसके बाद एनाफेज टू दिया हुआ है, यहाँ पे सेकेंड मियोसिस होता है। ओके, और इसके बाद ये प्रोडक्ट मिलता है। अब बताओ क्या है ये? Given process is likely to occur in honeybees during gamete formation in bisexual organism any of the above. क्या होगा इसमें? ये कब प्रोसेस होता है? देखो ये प्रोसेस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होता है, जब गैमेट्स बनते हैं तब ये होता है। वहां पे गैमेट्स होते हैं तो इनका मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद क्या होता है, ये एनाफेज सेकेंड में आ जाते हैं, वहां फिर इनका सेकेंड मियोसिस होता है, तो ये गैमेट अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, सो इट इज नोन एज ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, लेट्स सी। कह रहे हैं ऑब्जर्व द क्रॉस गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमें क्या बताना है? ये जो क्रॉस दिया हुआ है ये देखिए, और इसके बाद इसके रिस्पॉन्सिबल फिनोमेना बतानी है कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? देखो ए रेड है, ये रेड है और ये वाइट है, ये क्या है? पेरेंट्स हैं। अब गैमेट्स इनके फॉर्म हुए, गैमेट्स फॉर्म होने के बाद क्या होगा? एफ वन जनरेशन। तो एफ वन जनरेशन में क्या मिल रहा है? पिंक फ्लावर्स मिल रहे हैं। फिर इनसे गैमेट्स बनाए गए, तो ये अलग अलग गैमेट बने। अब F2 जनरेशन में क्या मिल रहा है? तो पिंक, रेड, वाइट, पिंक, ये मिल रहा है। अब हमें बताना है क्या ये कोडोमिनेंस है, क्या ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्या ये डोमिनेंस है, या क्या इनमें वेरिएशन आ रहा है? कौन सा होगा भाई? दे आर शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ऐसे क्वेश्चन बेटा आएंगे, जरूरी आएंगे। जीन बिलो, गिवन बिलो, जीन हम पढ़ रहे हैं, गिवन बिलो इन द डायग्राम
एक सेकेंड. ओके, कह रहे हैं गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर एज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. ये तो सबको पता है भाई, वॉटसन एंड क्रिक ने ही दिया था ये डायग्राम. द विड्थ ऑफ डीएनए इज, डीएनए की विड्थ कितनी होती है बेटा, यही बताना है आपको. अगर पता हो तो डायग्राम से रिलेटेड कुछ, मतलब डीएनए पता है, वॉटसन एंड क्रिक दिया था, लेकिन उन्होंने विड्थ कितनी बताई थी ये बताना है आपको. तो यहाँ पे देखो विड्थ कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन्ग, है ना. चलो आंसर देखें, द विड्थ ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉन्ग. ठीक है, यही करेक्ट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. ओके, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर बिलो आइडेंटिफाई द साइट वेयर लिंकर डीएनए गेट्स अटैच्ड. लिंकर डीएनए कहाँ अटैच होगा बेटा, लिंकर डीएनए आपका अटैच होता है हिस्टोन पे, H1 हिस्टोन पे. अब जरा देखो नाम आपको पता है क्या है, ये क्या है डीएनए, ठीक है. बी पे क्या है, H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन. और सी पे क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर. फाइन, ये मिल गया आपको, नाम मिल गया. अब कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द साइट वेयर लिंकर डीएनए गेट अटैच. तो लिंकर डीएनए कहाँ अटैच होते हैं, लिंकर डीएनए होते हैं H1 हिस्टोन पे. H1 हिस्टोन कहाँ है, बी पे है. तो ये देखो ऑप्शन बी दिया हुआ है. ओके, हो सकता है यहाँ पे बी ना लिख के सिर्फ H1 हिस्टोन लिख दे, या फिर हिस्टोन ऑक्टामर लिख दे, कुछ ऐसा लिख दे. तो उस हिसाब से आपको आंसर पता होना चाहिए कि ए पे डीएनए, बी पे हिस्टो H1 हिस्टोन है, और सी पे हिस्टोन ऑक्टामर है. ओके, नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैम्पल पेपर. देखते हैं क्या है इसमें. टू फिगर ए एंड बी, दो फिगर दिए हुए हैं ए और बी. शो स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर. किसका स्ट्रक्चर है बेटा ये, सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर. क्या बताना है हमें, विच ऑफ द टू स्ट्रक्चर इज मोर रिएक्टिव, कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा ये बताना है आपको. तो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा या ये वाला, कौन सा होगा. देखो जिसके पास ज्यादा OH ग्रुप होंगे, जिसके पास ज्यादा नहीं, सेकेंड नंबर पे जो कार्बन है वहां पे OH ग्रुप होना चाहिए, सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे. तो यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे कहाँ OH ग्रुप है, सी ए पे मिल रहा है. जो आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा तो उसमें OH ग्रुप होना चाहिए. अब वो OH ग्रुप कहाँ होना चाहिए ये मैटर करता है, तो सेकेंड पोजीशन पे होना चाहिए. सो ए आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा. क्लियर, ऐसे क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं. वैसे तो जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वैसे सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो ये बेटा आपका सैंपल पेपर नंबर 7 फिनिश हो गया है. अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं नहीं समझ में आया तो आप पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे. फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ. तब तक आप अपनी तैयारियां और अच्छे से करके रखिए, ठीक है. चलिए, टेक केयर, गुड बाय.